जौनपुर जिला के साहगंज अंतर्गत सबरहद के ईडन पब्लिक स्कूल व नूरजहां गर्ल्स कॉलेज के संस्थापक परवेज आलम भुट्टो इस समय कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी से अपने टिकट की मांग की है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें पार्टी जरूर टिकट देगी। इसके पूर्व में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं विधानसभा साहगंज 365 के भावी प्रत्याशी परवेज आलम भुट्टो। जैसा कि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा कर दिया है, ऐसी स्थिति में सारे प्रत्याशी अपने अपने पार्टी से टिकट ले रहे हैं, आप किस पार्टी से दावेदार हैं और क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, चुनाव आयोग की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए भी करता हूं कि इस कोरोना काल के समस्या को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए, जनता की सुविधा को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार किया है, एक आदमी तारीफ है और हम सब लोग को उसका पालन करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को आवाम के हित में इसका पालन करना चाहिए और इससे बच करके ही जितना संभव हो सके अपने चुनाव के मुद्दों को और अपने मतदाता तक जा करके डोर टू डोर उनको अपनी बातें रखने का जो गाइडलाइन तय किया है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और मैंने तो कांग्रेस पार्टी से अपना आवेदन किया था और मुझे बहुत उम्मीद है और भरोसा है कि पार्टी मुझे अवसर देगी कि मैं चाहकर विधानसभा से विधानसभा लड़ने का मौका लगेगा, इसलिए मैं इंतज़ार में हूँ और पार्टी विचार विमर्श करके किसी भी निर्णय पर पहुँचेगी और निर्णय जब आएगा और जब हमें आदेश होगा तो हम पार्टी को और गति देने के लिए क्षेत्र में मजबूती से निकलेंगे। और फिलहाल हम अपने लोगों से संपर्क करके प्रचार जारी है हमारा और लोगों तक अपनी बात कह रहे हैं और पार्टी के प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र में हो रहा है और चुनाव लड़ने का मन है तो ये करना ही पड़ता है और काम हो रहा है। टिकट का इंतजार है और टिकट की घोषणा जब होगी तो हो जाएगी। क्या लगता है कि जनता आपको किस आधार पर वोट देगी? नहीं, जनता देखिए सभी दलों से उब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देखा, बहुजन समाज को देखा, समाजवादी का कार्यकाल देखा और सब जनता के सामने है। आज जनता कांग्रेस को उस दौर को याद करती है, कांग्रेस को उस भाईचारे के व्यवस्था को याद करती है, कांग्रेस के उस विकास को याद करती है, कांग्रेस के उस जनमानस के सम्मान तरीके से सरकार चलाने के तौर तरीके को याद करती है। तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और प्रियंका गांधी के अथक प्रयास से महिलाओं में जो उन्होंने एक ऊर्जा फूंकी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वो जो नारा दिया है, महिलाओं को काफ़ी मनोबल बढ़ाया है और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने 40% की जो घोषणा की है ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। राजनीति में आधी आबादी को बड़ी भागीदारी और आधी भागीदारी देने के बाद ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, लोग थक चुके हैं दूसरी पार्टियों के वादे से, अब वो मजबूत चाहते हैं काम समाज में हो, विकास हो, तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं, पुनः कांग्रेस को सरकार में लाना चाहते हैं, ये बड़ी वजह है। प्रदेश के विकास की बात की जाए तो आप किस पार्टी मानते हैं कि बेहतर प्रदेश का विकास हुआ है? अब तक के जितना आकलन कर लीजिए सारे लोग कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, 70 साल तो कुछ हुआ है तभी तो कोस रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप तो कांग्रेस के काम को ही गिना करके जो सरकार का 5 साल चला लेते हैं। तो कांग्रेस ने तमाम वो चीज़ें की हैं बुनियादी तौर पे जिसको आप सभी लोग गिनाते रहते हैं। कांग्रेस ने भारत को, देश को कहाँ से कहाँ ले आई, देश की स्थिति में थी, आप तो अच्छे स्थिति में भी खराब स्थिति कर दे रहे हैं और खराब स्थिति से और दयनीय स्थिति से कांग्रेस ने देश को कहाँ से कहाँ ले आई। और कांग्रेस ने जो दिया है वो आप सपना भी नहीं दे सकते, तो आपका तो सारा विकास जाहिर है, लोग देख रहे हैं, झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाजी है,
हैं, सब खोखले वादे हैं, तो अब लोग त्रस्त हो गए हैं और जात पात से लोग जो है बिल्कुल ऊब गए हैं, हैं आप लोगों के आतंक से ऊब गए हैं, आप लोगों के तमाम उस आचरण से ऊब गए हैं कि अब जनता अपने हित के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने सम्मान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, हिंदू मुसलमान नौजवान और किसान के लिए कांग्रेस को लाना चाहती है और कांग्रेस सिर्फ मजबूती से देख रही हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में कांग्रेस का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लोग देखेंगे, लोग द्वारा ये परिवर्तन आएगा और सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस में परिवर्तन आया और कांग्रेस के बिना देश चल नहीं सकता, ये पूरे देश को पता है। क्षेत्रीय पार्टियों से किनारा करना ही पड़ेगा, आम आदमी का नुकसान जो हुआ है क्षेत्रीय पार्टी से ज़्यादा हुआ है, जात पात के नारा दे करके, जात पात के सहारे पे वोट ले करके, जात पात के समीकरण में टिकट दे करके जो बर्बादी प्रदेश की हुई है उससे लोग बचना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं।